इनटू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। सो सेम सब्जेक्ट का डिस्कशन वापस है, दैट्स BANS 133 टूरिज्म एंड एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट नेम एंड फ्रॉम BAG प्रोग्राम। मैंने एंड किया था रेलवेज पे एंड अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको स्पेस क्राफ्ट। ओके, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है। स्पेस क्राफ्ट ए न्यू एलिमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सेक्टर एंड वन दैट विल बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट इन द ईयर्स अहेड। ये भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक नया एलिमेंट है, लेकिन इसका आगे जाके बहुत ज़्यादा डिमांड होगा। ठीक है, इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ स्पेस क्राफ्ट टू कैरी टूरिस्ट इन टू स्पेस। स्पेस का तो देखा ही आपने, टूरिस्ट को जो स्पेस पे लेके जाते हैं, जैसे वो कल्पना चावला इन लोग का हो गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा आजकल इन में है, क्योंकि लोग को आजकल प्लैनेट्स पे जाके जो एक्सप्लोर करना होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गया है। तो स्पेस क्राफ्ट इसलिए बहुत मेजर रोल प्ले करता है। इंडियन वर्जिन गैलेक्टिक रिसेंटली सेंड द VSS यूनिट स्पेस प्लान इन टू आउटर स्पेस एंड इज प्लानिंग टू ऑफर कॉमर्शियल फ्लाइट्स टू स्पेस टूरिज्म इन द नियर फ्यूचर। समझ में आ गया, तो ये आपको एग्जाम्पल देना है। नेक्स्ट है हम लोग का एकोमोडेशन। द एकोमोडेशन सेक्टर इज सेंट्रल टू ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। तो देखते हैं एकोमोडेशन में क्या है। द एकोमोडेशन सेक्टर इज सेंट्रल टू अ ट्रैवल एंड हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। ये ट्रैवल और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए भी एक सेंटर माना जाता है, बिकॉज पीपल ट्रैवलिंग टू डिफरेंट एरियाज रिक्वायर सम वे टू स्टे। जो इतना घूमते फिरते हैं उनको कोई एक लोकेशन चाहिए जहाँ वो स्टे कर सके, रेस्ट ले सके, स्लीप एंड अनवाइंड। ठीक है, इनफैक्ट बाय मैनी डेफिनेशंस अ टूरिस्ट इज ओनली क्लास्ड एज सच इफ दे स्टे एक्सिट्स 24 आवर्स। तो अगर कोई 24 घंटे से ज़्यादा कहीं रहता है आवर्स, तो उनको कहीं ना कहीं स्टे करना होता है, इसलिए एकोमोडेशन होना बहुत ज़रूरी है। एंड दे यूज सम फॉर्म ऑफ ओवरनाइट एकोमोडेशन। तो वो कुछ ना कुछ तो चूज़ करता है, या तो होटल चूज़ करता है या रिजॉर्ट चूज़ करता है, कहीं ना कहीं तो रहने की तो कुछ ना कुछ तो ढूंढता है। विद इन दिस सब सेक्शन देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो काफ़ी कुछ कंपोनेंट्स इसके अंदर पड़ते हैं, रेंजिंग फ्रॉम द होटल इंडस्ट्रीज टू कैंपेन्स, हॉस्टल्स एंड क्रूजेस। समझ में आ गया, या तो होटल्स ढूंढते हैं, हॉस्टल्स ढूंढते हैं, क्रूजर्स ढूंढते हैं, तो रहने के लिए कुछ ना कोई शेल्टर होना बहुत ज़रूरी है। दिस सब सेक्शन आर एक्सप्लेन इन ग्रेटर डिटेल बिलो। इसको हम लोग और डिस्क्राइब करते हैं बिलो में। ठीक है, दैट इज होटल्स। सबसे पहले होटल्स है। होटल्स आर द मोस्ट ऑब्वियस एंड पॉपुलर फॉर्म ऑफ एकोमोडेशन फॉर टूरिस्ट। तो सबसे पहला एंड कॉमन चीज़ है होटल, लोग पहले होटल ही देखते हैं। एंड द होटल इंडस्ट्रीज इज इनएक्सट्रिकेबली लिंक टू द टूरिज्म इंडस्ट्री। ये टूरिज्म इंडस्ट्री से लिंक्ड है। पुट सिंपली, होटल्स प्रोवाइड पेड लॉजिंग फॉर गेस्ट। तो जो कुछ कुछ होटल्स हैं वो तो लॉज भी प्रोवाइड करते हैं हाई गेस्ट के लिए, हाई डिमांडिंग गेस्ट के लिए, मतलब VIPs के लिए उन लोग लॉज प्रोवाइड करते हैं। विद दैट बींग सेड, असाइड फ्रॉम बेड्स एंड अदर एसेंशियल फैसिलिटीज, तो एक होटल में बहुत कुछ होता है। द सर्विसेज दे प्रोवाइड कैन वेरी क्वाइट ड्रास्टिकली। तो उन लोग सर्विसेज इंसान के क्लास एंड लेवल देख के करते हैं, मतलब अपर क्लास के लिए अलग होता है, मिडिल क्लास अलग, लोअर क्लास अलग, तो अलग अलग फैसिलिटीज अलग अलग लोग के लिए होते हैं। ठीक है, शेयर एकोमोडेशन इन मोड्स एंड सारी चीज़ है ना, तो ये सब आते हैं इसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, हॉस्टल्स। हॉस्टल इज टिपिकली अ लोअर प्राइस एकोमोडेशन ऑप्शन, जिसको कम एक्सपेंस करना होता है लेकिन घूम फिर के आना होता है। जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हो गए, कोई जॉब करते उन लोग हो गए, उन लोग को कुछ टाइम के लिए वहाँ रहना होता है एंड उसके बाद में वापस जो घर आना होता है वो हॉस्टल प्रेफर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सुटेबल फॉर दोज ऑपरेटिंग ऑन अ लेसर बजट, जो मैंने कहा लोअर बजट, और दोज हुआ अटेम्प्टिंग टू रिड्यूस देयर ट्रैवल कॉस्ट, जो कम खर्चा करना चाहते हैं उन लोग हॉस्टल को प्रेफर करते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सोशलेबल एकोमोडेशन। ये सोशल एकोमोडेशन का फॉर्म है, वे मल्टीपल गेस्ट विल रेंट बेड्स एंड शेयर्ड स्पेस टिपिकली विद कम्यूनल बाथरूम एंड किचन फैसिलिटीज। मतलब तीन चार जन एक जगह रहते हैं, जैसे किसी किसी का रूम होता है वो शेयर्ड होता है, एक रूम में तीन बेड होते हैं, वहाँ पे किचन होती है, तो उस टाइप का हॉस्टल्स में होता है जहाँ कम खर्चा करना होता है। आजकल फ्लैट्स का भी ज़माना आ गया, लोग फ्लैट शेयर करते हैं, तो वो सब बोला गया। ठीक है, उसी तरह से कैंपेन है, बेड एंड ब्रेकफास्ट है, क्रूजेज है, वो आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ है इसमें। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का फार्म हाउस एकोमोडेशन एंड एग्री टूरिज्म। ट्रेवलर्स आर इंक्रीजिंगली विलिंग टू स्टे इन फार्म हाउस एकोमोडेशन। आजकल फार्म हाउस एकोमोडेशन में जो फार्म हाउस में जो रहने का होता है वो बहुत ज़्यादा ट्रेवलर्स चूज़ करते हैं, यूजुअली ऑन अ सेल्फ कैटरिंग बेसिस, जहाँ उन लोग खुद अपना कैटरिंग बेसिस को देखते हैं। दिस इज लिंक टू द आइडिया ऑफ एग्री टूरिज्म वेयर टूरिस्ट विजिट फार्म्स। एग्री टूरिज्म में ज़्यादा होता है कि फार्म हाउस में रहा जाता है, जहाँ एग्रीकल्चरिस्ट जो लोग होते हैं, जो एग्रीकल्चर टूरिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, उन लोग विजिट करते हैं, उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा
यूजफुल होते हैं, ठीक है. लर्न अबाउट द वर्क दैट गोज ऑन देयर एंड समटाइम्स इवन पार्टिसिपेट इन द डेली वर्क देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ ट्रेवल एक्सपीरियंस, ठीक है. सॉरी, नेक्स्ट है टाइम शेयर एकोमोडेशन. फाइनली टाइम शेयर एकोमोडेशन ऑल्सो नोन एज अ वैकेशन ओनरशिप एकोमोडेशन रिफर्स टू एकोमोडेशन में ओनरशिप और यूसेज राइट्स आर डिवाइडेड बिटवीन मल्टीपल इंडिविजुअल्स. तो टाइम शेयर एकोमोडेशन में क्या होता है, जो रहने का जगह है उसका खर्चा एक से ज़्यादा इंडिविजुअल शेयर करते हैं, ठीक है. दिस इंडिविजुअल्स आर अलॉटेड देयर ओन टाइम फ्रेम टिपिकली अ वीक और टू वीक्स आउट ऑफ द ईयर. तो इन लोग अपने टाइम के हिसाब से वैकेशंस लेते हैं, जैसे ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो गए तो उन लोग एक जगह को चूज़ करते हैं, उसका खर्चा इन लोग मिल बांट के शेयर करते हैं, ठीक है. दिस इंडिविजुअल फ्रेंड टिपिकली वीक और टू, तो एक वीक दो हफ्ता इस हिसाब से इन लोग उसको हायर करते हैं, उस जगह को हायर करते हैं, वहाँ रहते हैं, जैसे कि किसी गेस्ट हाउस, कोई गेस्ट फार्म, उस टाइप का, ठीक है. अब है फूड एंड बेवरेज. द फूड एंड बेवरेज सेक्टर हैज़ एन इंटरेस्टिंग रोल विद द टूरिज्म इंडस्ट्री. तो जहाँ टूर होगा वहाँ खाना पीना तो चाहिए, अब घूमोगे फिरोगे उसके बाद कुछ तो खाना होगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फूड और बेवरेज, ठीक है. प्रोवाइडिंग टूरिस्ट विद एसेंशियल रिफ्रेशमेंट एट ऑल स्टेज ऑफ द ट्रैवल एक्सपीरियंस इंक्लूड ड्यूरिंग ट्रैवल. तो अगर जो टूरिज्म में होते हैं, जो टूरिस्ट लोग होते हैं, उन लोग को सिर्फ घुमाने से तो होगा नहीं, उन लोग को एंड सोशलाइज ऑन द ट्रेवल्स. दिस कैटेगरीज इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स लाइक मैकडोनल्ड्स, KFC. तो आजकल ये सब भी बहुत इन में है, KFC हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, मैकडोनल्ड्स हो गए, ये सब जहाँ लोग देखते हैं वहाँ वो रुकते हैं, एंड जंक फूड लवर्स तो उधर ही रुकेंगे, तो इनका डिमांड तो वैसे ही इन लोग की वजह से बढ़ जाता है, ठीक है. छोटे फैमिली रेस्टोरेंट लग्जरी रेस्टोरेंट ऑफर हाई एंड क्यूजिन. तो लग्जरी रेस्टोरेंट अलग होते हैं, फैमिली रेस्टोरेंट अलग होते हैं, इन लोग को हाई लेवल का क्विक क्यूजिन देते हैं, ठीक है. केटरिंग, केटरिंग इज यूजली रिकॉग्नाइज एज अ प्रोविजन फूड सर्विसेज एट मोर रिमोट लोकेशंस. तो बहुत जो छोटे एरिया है वहाँ केटरिंग बहुत इन होता है, छोटे एरिया लाइक मेट्रो सिटीज, जहाँ पे आप हर दिन जंक फूड्स नहीं खा सको, जो इंडिपेंडेंट इंसान होते हैं जिसको कुकिंग नहीं आता वो केटरिंग को प्रेफर करते हैं. विद इन दिस सबसेक्शन वुड बी द वेरियस फूड एंड ड्रिंक ऑफरिंग्स फाउंड एट हॉस्टल्स एंड अदर एकोमोडेशन टाइप्स. तो जो हॉस्टल में रहते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं, जो जॉब करते हैं वो इसको प्रेफर करते हैं, एज वेल एज हम प्लेन्स, क्रूज, सिप और ट्रेन, तो वहाँ पर भी केटरिंग होता है, जो डब्बा डब्बा जाता है किसी भी एयरक्राफ्ट में या फिर रेलवेज में, तो उसमें भी केटरिंग के साथ वो डील किया हुआ रहता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स ऑफरिंग एट मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शन और एंटरटेनमेंट साइट्स, ठीक है, समझ में आ गया. तो ऐसे और कई कई सारे हैं, लेकिन मैंने आपको अप्रॉक्स 10 बता दिया, 10 to 12 बता दिया, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको पढ़ना और लिखना अपने सिंपलेस्ट वर्ड पे. तो अब मैं मूव करती हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है. एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन टूरिस्ट एंड टूरिज्म. क्या रिलेशनशिप है एक टूरिस्ट एंड टूरिज्म में, ठीक है. टूरिज्म कंसेप्ट टॉपिक, पहले हम लोग टूरिज्म कंसेप्ट टॉपिक देखते हैं और टूरिस्ट कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है. टूरिज्म इज इन इट्स मॉडर्न फॉर्म इज नॉट द सेम एज ट्रैवल ऑफ द अर्ली पीरियड्स ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. तो पहले टूरिज्म का अलग मीनिंग था, अब भी टूरिज्म का अलग मीनिंग है. इन द लैंग्वेज ऑफ ज्यूज द वर्ड टोरा मीन्स स्टडी और सर्च. आजकल जो ज्यूज का लैंग्वेज है उसमें टोरा मतलब किसी चीज़ को स्टडी करना, डेप्थ स्टडी करना, या किसी चीज़ के बारे में खोज करना. एंड टूर सीम्स टू हैव बीन डिराइव फ्रॉम इट. और टू टोरा से ही आया, ठीक है. इन लैटिन द ओरिजिनल वर्ड टोर्नो स्टैंड्स क्लोज टू इट. लैटिन में जो टोर्नोज है वो टूरिज्म से काफ़ी क्लोज है. क्लोज टू टोर्नोज वॉज अ काइंड ऑफ ओके स्टैंड्स क्लोज टू इट. टोर्नोज वॉज अ काइंड ऑफ राउंड व्हील लाइक टूल हिंटिंग एट द आइडिया ऑफ अ ट्रेवल सर्किट और ए पैकेज टूर. तो टोर्नोज मतलब एक व्हील टाइप का था जो कोई पैकेज टूर को रिफर करता था, एक सर्किट से लिंक था, ठीक है. तो इन संस्कृत पर्यटन मींस लिविंग वंस रेसिडेंट टू ट्रैवल फॉर द सेक ऑफ रेस्ट एंड फॉर सीकिंग नॉलेज. पर्यटन मतलब घूमना और कहीं से ज्ञान करना. और देशातन इज अनदर वर्ड विच मींस ट्रैवलिंग फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट. देशातन मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए. मैं कहीं पे रुकू के इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द दिस अकॉर्ड्स टू डिफाइन टूरिज्म. तो जो टूरिज्म का अगर हम लोग को डिफाइन करना है तो ऑन्टो ने क्या डिफाइन किया वो देखते हैं, ठीक है. अनवोटो डिफाइंड इट एज इंडिकेटेड बिलो. तो अनवोटो ने क्या दिया है वो देखते हैं. टूरिज्म कंप्राइजेज एक्टिविटीज ऑफ पर्सन ट्रेवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेसेस आउटसाइड द यूजुअल एनवायरमेंट फॉर नॉट मोर देन वन कंसेक्यूटिव ईयर फॉर लेजर. तो ये टूरिज्म मतलब अपने लोकेशन से कहीं और जाना और वहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्पेंड करना, लेकिन उसका लेजर पीरियड एक साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सॉरी, मैं एक घंटा बोलने वाली थी. एक साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, विद इन वन ईयर के अंदर में ही, मतलब उस टाइम ड्यूरेशन तक की. कहीं बाहर हम लोग जो घूमने जाते हैं तो उनके हिसाब से ये टूरिज्म होता है, ठीक है.
बिजनेस एंड अदर पर्पजेज, चाहे वो बिजनेस या दूसरे पर्पजेज के लिए हो उसके हिसाब से, ठीक है। दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स द वर्ड स्टेइंग एंड सजेस्ट दैट टूरिस्ट स्टे एटलीस्ट वन नाइट। तो ये बोला गया कि यहाँ पे स्टे वर्ड में ज़्यादा फोकस किया गया और जो बोले टूरिस्ट कम से कम एक रात रुकते हैं। टूरिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रैवल। अब ट्रैवल और टूरिज्म दो अलग चीज़ है, ठीक है। इन ऑर्डर फॉर टूरिज्म टू हैपन, अगर टूरिज्म होना है तो क्या बोला गया, देयर मस्ट बी ए डिस्प्लेसमेंट, जगह का बदलना बहुत ज़रूरी है। एंड इंडिविजुअल हैज़ टू ट्रैवल यूजिंग एनी टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अगर टूरिज्म करना है तो एक ट्रांसपोर्ट से दूसरा ट्रांसपोर्ट से घूमना फिरना बहुत ज़रूरी होगा, तो वो टूरिज्म कहलाएगा। He might even travel on foot. Nowadays, it is often the case for poorer societies. तो आजकल तो adventures में तो on foot tourism भी होता है, और basically poorer societies के लिए ये भी इन लोग ज़्यादा इस चीज़ को prefer करते हैं। It happens even in more developed ones and concerns pilgrim hiking etc. जो pilgrimage में जो होता है तीर्थ स्थान में, उन लोग पैदल चलना ज़्यादा वो मानते हैं। एंड आजकल तो religious places भी tourism के अंदर आते हैं। एनी ट्रैवल फॉर हॉलीडे, बिजनेस और प्रोफेशनल ट्रिप बिकम्स अ पार्ट ऑफ टूरिज्म। तो कोई भी ट्रैवल अगर हॉलीडे पर्पज, बिजनेस पर्पज के लिए हो, रिलीजियस पर्पज के लिए, तो वो टूरिज्म बन जाता है। इफ़ इट इज़ टेम्प्रेरी एंड इज अंडरटेकन वॉलेंटरली, अगर वो कुछ टाइम के लिए, तो विदाउट एन एम टू अर्न एनी लाइवलीहुड आउट ऑफ इट, और इसका सिर्फ मकसद घूमना फिरना ही हो और कुछ नहीं हो, ठीक है, इसमें पैसे अर्न करने का कुछ भी नहीं हो, ठीक है। बट ऑल ट्रैवल इज नॉट टूरिज्म, लेकिन हर ट्रैवल टूरिज्म नहीं है। रादर ट्रैवल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म। तो ट्रैवल टूरिज्म का एक कंपोनेंट है, ट्रैवल टूरिज्म नहीं है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सच दैट, वेट अ सेकेंड, आई हैव मिस्टेकन द लाइंस, ठीक है, ओके। सो थ्री क्राइटेरिया आर यूज साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज ए ट्रिप बिलोंगिंग टू टूरिज्म। तो तीन क्राइटेरिया होना चाहिए टूरिज्म के लिए अंदर आने के लिए, डेट इज डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी सच दैट, जो डिस्प्लेसमेंट होता है इंसान का वो ऐसा होना चाहिए, इट इन्वॉल्व्स अ डिस्प्लेसमेंट आउटसाइड द यूजुअल एनवायरनमेंट, अपने डिस्कशन और होगा। टाइप्स ऑफ पर्पज, ट्रैवल का क्या होना चाहिए और पर्पज बता रहे इसके बारे में। ट्रैवल मस्ट ऑकर फॉर एनी पर्पज डिफरेंट फ्रॉम बींग रेमोनरेटेड फ्रॉम विद इन द प्लेस विजिट। तो जो ट्रैवल है ओन प्लेस से कहीं और प्लेस में विजिट होना चाहिए, तो वो डिफ्रेंसिएशन उसमें होना चाहिए। द प्रीवियस लिमिट्स, जो प्रीवियस लिमिट्स है उसके अलग होना चाहिए। वेयर टूरिज्म वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू रिक्रिएशन एंड विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, नाउ एक्सपांडेड टू इंक्लूड अ वास्ट एरिया ऑफ पर्पज। तो पहले टूरिज्म मतलब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से मिलना जुलना होता था, लेकिन आजकल टूरिज्म का बहुत दूसरा मीनिंग है, वास्ट मीनिंग है, ठीक है। ड्यूरेशन, अब ड्यूरेशन क्या बोला गया इसमें, ओनली अ मैक्सिमम ड्यूरेशन इज मेंशन, नॉट अ मिनिमल। मैक्सिमम बताइए कि वन ईयर के विदिन होना चाहिए, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए वो टूरिज्म में इंक्लूड नहीं किया गया। टूरिज्म डिस्प्लेसमेंट कैन बी विथ और विदाउट एन ओवरनाइट स्टे। तो अगर आप ओवरनाइट नहीं भी करते हो स्टे, तो भी वो टूरिज्म के अंदर आएगा, और करते भी हो तो वो भी टूरिज्म के अंदर आएगा। लेकिन बस इसमें यही मेंशन किया गया कि वन ईयर के ज़्यादा एक्सपांड नहीं करना चाहिए, और दूसरा लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ठीक है। द कंट्रीज हैविंग हिल स्टेशन एंड मोर हिस्टोरिकल प्लेसेज आर वेरी अट्रैक्टिव फॉर टूरिस्ट। जो हिल स्टेशन होते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेज होते हैं, वो टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। वैन टूरिस्ट विजिट द कंट्री, द इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री इज बेनिफिटेड। जिस कंट्री को टूरिस्ट विजिट करते हैं उसका इकोनॉमी का अपने आप बढ़ावे होते, ग्रोथ भी होता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ दैट कंट्री इंक्रीज इन द वर्ल्ड हैज़ अ पॉजिटिव थिंकिंग अबाउट द रीजन। तो उस कंट्री का वैल्यू बढ़ जाता है और उसका रीजन के बारे में भी लोग अच्छा सोचते हैं। टूरिज्म एनहेंसेज द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री मस्ट टेक टू प्रमोट टूरिज्म। ये आप खुद अब पढ़ सकते हो, मतलब टूरिज्म के बारे में हम लोग का टॉपिक टूरिस्ट डेफिनेशन एंड टू डिफाइन टूरिस्ट एज इंडिकेटेड बिलो। तो एंटो ने क्या डिफाइन किया वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। टूरिस्ट आर पर्सन्स हु आर ट्रैवलिंग, एक सेकेंड, या सो क्या बोला उसने, टूरिस्ट आर पर्सन हु आर ट्रैवलिंग टू एंड स्टेइंग इन प्लेस आउटसाइड द यूजुअल एनवायरनमेंट फॉर नॉट मोर देन वन कंसेक्यूटिव ईयर फॉर लेजर बिजनेस एंड अदर पर्पस नॉट रिलेटेड टू एक्सरसाइज ऑफ एन एक्टिविटी रेम्यूनरेटेड फ्रॉम विद इन द प्लेस विजिटेड। तो मतलब कहीं एक जगह से दूसरा लोकेशन में जाना, अपने ओरिजिनल प्लेस से कहीं दूर जाना, वो भी फॉर द पर्पस ऑफ लेजर बिजनेस या किसी पर्पस के लिए, जिसका पीरियड वन ईयर से कम हो कंसेक्यूटिव, तो जिसका वन कंसेक्यूटिव ईयर से कम हो, ठीक है।
तो और इसका एक्टिविटी जो मैंने कहा इकोनॉमिक पर्पज से पैसे नहीं अर्न करना हो, जिसका सिर्फ विजिट करने का पर्पज हो वो होता है, ठीक है। फॉलोइंग आर टू बी कंसिडर्ड टूरिस्ट, इन लोग को टूरिस्ट कंसिडर करना चाहिए। पर्सन ट्रैवलिंग फॉर प्लेजर, जो प्लेजर के लिए ट्रैवल करते हैं वो, फॉर हेल्थ एक्सेट्रा, जो हेल्थ के लिए ट्रैवल करते हैं उन लोग। पर्सन ट्रैवलिंग इन रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी ऑफ एनी काइंड, किसी भी पर्पज़ के लिए ट्रैवल करे वो, लेकिन अर्निंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। पर्सन ट्रैवलिंग फॉर बिजनेस रीजन, जो बिजनेस रीजन के अंदर फॉलो होते हैं वो भी। पर्सन अराइविंग इन द कोर्स ऑफ सी क्रूज, इवन वेन दे स्टे लेस 24 आवर्स, उन लोग भी आता है आवर्स, सॉरी उन लोग भी आता है। द फॉलोइंग आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज टूरिस्ट एंड आर कंसिडर्ड ट्रैवलर ओनली। अब इन लोग को सिर्फ टूरिस्ट नहीं समझना, सिर्फ ट्रैवलर समझना है। पर्सन अराइविंग टू टेक अप एन एकोमोडेशन और एंगेज इन एनी बिजनेस एक्टिविटी इन द कंट्री, कोई बिजनेस एक्टिविटी में एंगेज होता है जो उसके लिए ट्रैवल करता है, तो वो होता है हम लोग का ट्रैवलर, ना कि टूरिस्ट, ठीक है। पर्सन अराइविंग टू टेक अप रेसिडेंस इन द कंट्री, उसी जगह में रहना वो ट्रैवलर, ट्रैवलर स्टूडेंट्स एंड यंग पर्सन इन स्कूल्स। एनी पर्सन डोमिसाइल्ड इन वन कंट्री टेक्स मोर देन 24 आवर्स, जो स्कूल्स में रहते हैं उन लोग, जो एक्सकर्सन विजिट करने आते हैं उन लोग को टूरिस्ट कंसिडर नहीं किया जाता है, हम लोग उन लोग को ट्रैवल लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर और क्या बोला गया है, डे विजिटर्स, वी हैव ऑलरेडी नोटेड इन द टूरिज्म डेफिनेशन दैट स्ट्रिक्टली डे ट्रिप्स आर नॉट ऑफिशियली टूरिस्ट, सिर्फ डे ट्रिप्स ही टूरिस्ट नहीं होता है। विच स्टैटिस्टिक काउंट एज दोज हु स्टे एटलीस्ट वन नाइट इन अ प्लेस, जो एक रात कम से कम रुके वो टूरिस्ट होते हैं। डे ट्रिपर इज ऑल्सो नोन एज एक्सकर्सनिस्ट, जो डे ट्रिप करे तो उसको एक्सकर्सनिस्ट भी बोला जाता है, जो मैंने आपको पहले समझाया था। डे ट्रिपर्स स्पेंड मनी इन द टूरिज्म सेक्टर एंड बूस्ट दैट डे विजिटर मेक्स अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन टू द टूरिस्ट इंडस्ट्री इन सम रीजन्स एंड ऑर्गेनाइजेशन चूज टू इंक्लूड अ विजिटर इन स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ टूरिस्ट ऑन द, अब क्या टाइप्स ऑफ टूरिस्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ द मोमेंट टूरिस्ट कैन कैटेगराइज एज द फॉलोइंग। तो टूरिस्ट को हम लोग उनके विजिट के हिसाब से किस में कैटेगराइज कर सकते हैं, वट इज डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कहा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस टूरिस्ट टूरिस्ट होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कहा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं बिजनेस टूरिस्ट, मेडिकल हेल्थ टूरिस्ट हो सकता है, लेजर टूरिस्ट होता है, बैक पैकेजर्स होते हैं, प्लॉग्स होते हैं टूरिस्ट हो, और जो टूरिस्ट टाइप्स होते हैं वो हैं। दिस डिटरमाइनिंग द डेफिनेशन ईच टाइप ऑफ टूरिस्ट टेंस टू चूज, तो मैम जो जो अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टूर करें उनको एक एक कैटेगरी में हम लोग अलॉट कर देते हैं। तो फाइव कैटेगरीज है, फाइव कैटेगरीज, दैट इज साइकोसेंट्रिक, नियर साइकोसेंट्रिक, मिड सेंट्रिक, नियर एलोसेंट्रिक, एलोसेंट्रिक, साइकोसेंट्रिक, ये सभी, ठीक है। सो साइकोसेंट्रिक इज अ फोकस ऑन वन सेल्फ, जो खुद के लिए घूमते हैं वो साइकोसेंट्रिक, ठीक है। एलोसेंट्रिक इज अ फोकस ऑफ अदर पीपल, दूसरों के बारे में जानने के लिए जो घूमते हैं वो एलोसेंट्रिक होते हैं। साइकोसेंट्रिक्स आर कैरेक्टराइज एज बिंग कंजर्वेटिव इन हैबिटेट एंड मोर सेफ्टी कॉन्शियस व्हेन दे ट्रेवल, जो साइकोसेंट्रिक होते हैं, जो सेटिस्फैक्शन के लिए घूमते हैं वो थोड़े रिजर्व होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, इनहैबिटेड होते हैं, अपने से रिलेटेड होते हैं और सेफ्टी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दे यूजुअली स्पेंड लेस मनी एंड ट्रैवल टू फैमिली प्लेसेस, तो वो ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, लेस कम से कम खर्चा करके घूम के आते हैं, ठीक है। साइकोसेंट्रिक्स वुड प्रेफर ट्रैवल टू वेल नोन कैन बी अ नियर बाय डेस्टिनेशन एंड थीम पार्क, तो सामने की जगह को ही ज़्यादातर प्रेफर करते हैं। एलोसेंट्रिक आर मोर आउट गोइंग, विलिंग टू टेक रिस्क, जो एडवेंचर्स करते हैं वो एलोसेंट्रिक होते हैं, रिस्क के लिए ओपन रहते हैं उन लोग, एलोसेंट्रिक होते हैं, ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्टेड इन टू ट्रैवल टू एक्जॉटिक प्लेसेस, वही जो एडवेंचर्स के लिए एक्साइटेड रहे वो एलोसेंट्रिक, ठीक है। एलोसेंट्रिक वुड मोर लाइकली ट्रैवल टू अफ्रीका और एशिया, मतलब जो अपनी कंट्री को छोड़ के कहीं और भी घूमना चाहे वो एलोसेंट्रिक। अब मिड सेंट्रिक क्या है, मिड सेंट्रिक टूरिस्ट हु गो टू प्लेसेस डैट हैव बिन पॉपुलराइज बाय एलोसेंट्रिक, दे आर नॉट सो एडवेंचरस, नीदर आर दे अफ्रेड, तो किसी के सजेशन पे कोई जो घूमने जाए और जो रिस्क के लिए रेडी रहे, कूल रहे, बहुत डरे भी नहीं, रिस्क टेकिंग एक्सेप्ट करे, चैलेंजेस एक्सेप्ट करे, वो होते हैं मिड सेंट्रिक, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हम लोग का हिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टॉपिक। एंशियंट हिस्ट्री ट्रैवल एज अ वंडरलस्ट इन सम फॉर्म ऑफ अदर हैज अट्रैक्टेड ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड इन हिस्ट्री, तो हमेशा टूर को लेके या ट्रैवल में एंशियंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोलता है, तो उसके लिए टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो द सेजेस इन इंडिया ट्रैवल टू हिमालय, सी सोर्स व्यूज, लेक साइड एंड क्लोज टू फॉरेस्ट फॉर मेडिटेशन, तो ये सब प्लेसेस में ट्रैवल किया जाता है मेडिटेशन के लिए, सी सोर्स, लेक्स, ये सब को चूज किया जाता है। पीपल ऑफ ऑल फेथ हैव सिंस बीन विजिटिंग श्राइन्स एस्टैब्लिश इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, तो इन लोग काफ़ी जगह को विजिट करते हैं, हर छोटे से बड़ी जगह पर, ठीक है।
2000 years before Christ, that is BC, में in India and Mesopotamia, travel of trade was an important feature since the beginning of the civilization. तो travel and trade बहुत important feature था. तो इसका आप यहाँ तक लिखोगे तो भी होगा, क्योंकि हम लोग को entire description नहीं देना, इतना तक ही लिखना है आपको. सो लास्ट टॉपिक है हम लोग का रोमन एम्पायर. विथ नो फॉरन बॉर्डर्स बिटवीन इंग्लैंड एंड साइरिया एंड विथ सेफ सीज फ्रॉम प्राइवेसी ड्यू टू रोमन पेट्रोल्स द कंडीशंस फेवरिंग ट्रैवल हैड अराइव. तो जो बॉर्डर्स नहीं थे इंग्लैंड एंड साइरिया के बीच में, जो सेफ सीज ट्रैवल हो रहा था, ये जो पॉलिसी थी इसके वजह से ट्रैवल बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था. फर्स्ट क्लास रोड कपल्ड विथ स्टेगिंग इन्स, मतलब उन लोग ज़्यादा फैसिलिटीज के साथ ट्रैवल करते थे, प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ ट्रैवल, और इन लोग की वजह से ट्रैवल प्रमोट हुआ. रोमन्स ट्रैवल टू सिसली ग्रीक. स्टेगिंग इन्स मतलब उन लोग ज़्यादा फैसिलिटीज के साथ ट्रैवल करते थे, प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ ट्रैवल, और इन लोग की वजह से ट्रैवल प्रमोट हुआ. रोमन्स ट्रैवल टू सिसली ग्रीस रोड्स ट्रॉय एंड इजिप्ट, इन लोग यहाँ ट्रैवल करते थे. फ्रॉम 300 AD ट्रैवल टू द होली लैंड ऑल्सो बिकेम वेरी पॉपुलर. तो फिर जब 300 AD आया तो होली लैंड में ट्रैवल करना भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. रोमन्स इंट्रोड्यूस देयर गाइड बुक्स लिस्टिंग होटल्स विद सिंबल ऑफ आइडेंटिफाई क्वालिटी. तो इन लोग ने अपना गाइड बुक दिया कि बाकी लोग जो टूर करेंगे इसके हिसाब से करेंगे, अब एक पर्टिकुलर सिंबल एंड क्वालिटी देखे. सेकेंड होम्स वे बिल्ड बाय रिचर न्यू रोम ऑक्यूपाइड प्राइमरी ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम सोशल सीजन. द मोस्ट फैशनेबल रिजॉर्ट्स वेयर सॉरी सो द मोस्ट फैशनेबल रिजॉर्ट्स वे फाउंड अराउंड बे ऑफ नेपल्स. तो ये यहाँ मिला जाता था बहुत जो फैशनेबल रिजॉर्ट्स होते थे वो सब. नेपल्स अट्रैक्टेड द रिटायर्ड एंड इंटेलेक्चुअल्स. क्यूमेन अट्रैक्टेड द फैशनेबल्स वाइल बे अट्रैक्टेड द डाउन मार्केट टूरिस्ट. तो जो नेपल्स था वो रिटायर्ड लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, क्यूमेन जो था फैशनेबल लोगों को अट्रैक्ट करता था, लेकिन जो बेल है वो डाउन मार्केट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते थे. बिकमिंग नोटेड फॉर इट्स रॉडीनेस ड्रंकनेस एंड ऑल नाइट सिंगिंग. तो इसकी वजह से ये फेमस था. तो ट्रैवल एंड टूरिज्म वेयर टू नेवर अटेन ए सिमिलर स्टेटस अंटिल द मॉडर्न टाइम्स. तो क्या बोला गया कि रोमन एम्पायर की वजह से ट्रैवल एंड टूरिज्म को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया गया था, अलग अलग फॉर्म्स में लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे थे. तो गाइस यहाँ तक काफ़ी है हम लोग का एक्सप्लेनेशन समझना. अब ये सब टॉपिक्स को अच्छे से लिखिएगा क्योंकि कंसेप्ट और भी बड़ा है, तो हम लोग एंटायर बुक तो नहीं लिख सकते इस पर. तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको समझा है उस पर क्रूशियल ध्यान देना है और उसको अपने लैंग्वेज में देना है. एग्जैक्टली इसमें जो लिखा गया वो नहीं छापना है, ठीक है, आपको अपने वर्ड्स पे लिखना है. तो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास. आई होप यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग, आपको एक्सप्लेनेशन समझ आया हो. सो प्लीज़ गाइस, आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन या अभिषेक का एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है वो, तो प्लीज़ सपोर्ट करो क्योंकि वी नीड योर सपोर्ट. एंड सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके, अपने फ्रेंड्स को और शेयर करके, FCS को और सपोर्ट करके, एनकरेज करके, क्योंकि